भाई के सुर मच में सूरज अपने किस्से सपोर्ट राष्ट्र में हम बात रहे हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल एडसेंस के कुछ इस तरह के एरर के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एरर को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि जब भी आपको कोई भी एरर आता है गूगल एडसेंस के लिहाज से अगर हम बात करें, अप्रूवल के लिहाज से अगर हम बात करें, तो जो कोई भी एरर आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस एरर को रीड करना है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक और एरर जो कि मुझे देखने को मिला है, और ये एरर मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों के साथ में आता है। तो यहाँ पर हो सकता है ये एरर आपके साथ में भी आया हो, और अगर आपके साथ में ये एरर आया है तो आप इसे किस तरीके से फिक्स करेंगे। ट्यूटोरियल के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी तरीके से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता होता है, मैं आपको बता दूँ वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो इसे फिक्स नहीं कर पाते हैं, उन्हें एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बता दूँ इसे फिक्स करना काफ़ी ईजी है और बहुत ही कम समय में आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी गूगल एडसेंस से रिलेटेड कोई भी अगर एरर आता है, कोई भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है गूगल एडसेंस में, तो वहाँ पे गूगल एडसेंस कभी ना कभी जो है कि यहाँ पे मेंशन करता है कि किस वजह से जो है कि यहाँ पे आपकी साइट को गूगल एडसेंस ने रिजेक्ट किया है। ठीक है, गूगल एडसेंस बता देता है कि हम आपकी साइट को इस वजह से रिजेक्ट किए हैं, या फिर जो भी रीज़न है वो वहाँ पे मेंशन कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है रीज़न, यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं क्लोज योर अदर अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, इसलिए ये जो है कि बोल रहा है कि आप अपना अदर अकाउंट जो है गूगल एडसेंस का, वो जो है कि उसे बंद करिए पहले, फिर जाके आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ गूगल एडसेंस सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही अकाउंट अलाउ करता है, उसके अलावा जो कि आपको कोई भी अदर अकाउंट नहीं रखने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो मेरे सब्सक्राइबर है, इन्होंने यही गलती कर दिया है कि इन्होंने ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट बनाया था सेम एड्रेस पे और सेम नेम पे, उसी पे एक और एडसेंस अकाउंट जो है कि बनाने की कोशिश इन्होंने किया है, इसी वजह से ये एरर आ रहा है। अब इसे कैसे फिक्स करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको कोई एरर आता है तो उसमें गूगल एडसेंस मेंशन करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे गूगल एडसेंस ने मेंशन किया है, आपको रीज़न कभी भी इसी एरिया में देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहीं पे आपको रीज़न देखने को मिलेगा जिस वजह से जो है कि यहाँ पे जो कि आपका अकाउंट जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वी सी दैट यू ऑल्सो हैव अनदर एडसेंस अकाउंट। इसका मतलब यह है कि हम देख रहे हैं कि आपके पास एक और जो है कि गूगल का एडसेंस अकाउंट है। अब देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एडसेंस अकाउंट है नहीं, और कैसे ये आ गया, किस वजह से आ गया, कैसे हम इसे फिक्स करें। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको इस तरीके से मैसेज आता है यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, तो आपके ई मेल एड्रेस पे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये जो ई मेल एड्रेस है इस पर आपने अप्लाई किया, तो इसी ई मेल एड्रेस पे मैं आपको बता रहा हूँ एक मेल आता है गूगल एडसेंस की तरफ से, एक ई मेल आता है, उस ई मेल में क्लियर कट में लिखा रहता है कि यहाँ पे आपको इस ईमेल पे ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, तो या तो आप उस ईमेल पे जो भी एडसेंस अकाउंट है उसे बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, उसके बाद जो है कि इसे ओपन कीजिए। तो उस ईमेल एड्रेस का भी जो कि वहाँ पे मेंशन करके देता है कि ये ईमेल एड्रेस पे आपका एडसेंस अकाउंट चल रहा है, तो उस ईमेल अकाउंट को आपको लॉगिन करना होता है एडसेंस अकाउंट को, और उसे बाद में जो है कि डिसेबल कर देना होता है, बंद कर देना होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, यही चीज़ें हमें यहाँ पे करना होता है। तो मैं आपको बता दूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो उसे कैसे फिक्स करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। तो ईमेल एड्रेस, जैसे ये हमें एरर आया है तो इसका कोई ईमेल एड्रेस आया है या नहीं आया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जीमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ जीमेल पे, और जैसे जीमेल पे क्लिक करूँगा ये जीमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एरर मुझे आया है या नहीं आया, मैसेज मुझे आया या नहीं आया। देखिए सबको मैसेज आता है गूगल एडसेंस की तरफ से, और देखिए यहाँ पर मुझे एडसेंस का यहाँ पर मैसेज आया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है You already have an AdSense account। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ऑलरेडी एक AdSense account है, और यहाँ पे जो कि AdSense account का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये mention कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये Gmail address, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये Gmail address मुझे यहाँ पे mention करके रख दिया है,
ऐसे ही आपको भी जीमेल आईडी जो है, जो भी आपका जीमेल आईडी है वो मेंशन करके दे देगा, उसको आपको फॉलो करना है और उसको जाके बंद करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इसी जीमेल आईडी पे उस एडसेंस अकाउंट को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस तरह का मेल आया है तो उस ईमेल आईडी को सबसे जाइए और उस एडसेंस अकाउंट को क्लोज करिए। कैसे एडसेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं, कैसे बंद करते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया है, इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे एडसेंस अकाउंट को डिसेबल करते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इसे या तो क्लोज कर दीजिए या फिर इसे कंटिन्यू इसी जीमेल पे जिस पे है उसको आप इस्तेमाल करिए। सो इस तरीके से आप जो कि ये वाले जो एरर है इसको आप फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जीमेल को या तो आप यूज़ करिए उसी जीमेल के एडसेंस अकाउंट को, या फिर उस एडसेंस अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले डिलीट करना होगा, डिलीट कैसे करना मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसको आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद इसे डिलीट करिए। और जैसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे जैसे आप डिलीट करते हैं, यहाँ पे आपको ये जो टिक मार्क आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है। और जैसे टिक मार्क करना है कि आपने जो है कि डिलीट कर दिया है, उसके बाद जो है कि यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का जो टैब है इसके ऊपर जो कि सबमिट पर क्लिक कर देना, ये जो कि आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो कि आपका अकाउंट जो कि डिलीट हो जाता है, और जैसे डिलीट हो जाता है एडसेंस अकाउंट और ये सबमिट हो जाता है, वैसे ही ये अप्रूव्ड कर देते हैं यहाँ से इस एडसेंस अकाउंट को, और आप इस एडसेंस अकाउंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।